हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आइए डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 6 फरवरी। सो आज सॉरी थोड़ा लेट हो गई और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम हाईलाइट भी नहीं कर पाए, लेकिन आइए न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहली न्यूज़ है जो वेड टू एडल्ट मैरी नन शुड इंटरफेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब दो एडल्ट जब अगर मैरी करते हैं तो किसी को अधिकार नहीं है कि वो उनके बीच में इंटरफेयर करें, ना ही पेरेंट्स को, ना ही सोसाइटी को, ना ही खाप पंचायत को, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उनको हरेस करें, राइट। ये एक्चुअली देखिए अभी काफ़ी केसेस सामने आ रहे थे, जैसे ऑनर किलिंग का केसेस और लव जिहाद का केसेस, राइट। तो इसमें अक्सर देखा जाता है कि ऑनर किलिंग में पेरेंट्स वाले विरोध करते हैं, इसके अलावा खाप पंचायत वगैरह भी काफ़ी या सोसाइटी जो होती है वो भी विरोध करती है, उनको हरस करती है, परेशान करती है, ठीक है। तो इससे इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया है कि अब किसी को अधिकार नहीं है कि वो दो लोगों के बीच में इंटरफेयर करें, राइट। क्योंकि ये देखिए मैरिज जो है ये एक राइट टू प्राइवेसी में आता है, और राइट टू प्राइवेसी अब एक फंडामेंटल राइट हो गया है, इसलिए अब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अगली न्यूज़ देखिए, मालदीव्स गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी। तो मालदीव में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, आपको पता होगा वहाँ पे अब पहले से ही हालत ख़राब चल रही थी। अब्दुल्ला यमीन जो है ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जो डिसीज़न है उनको मानने से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के जो इवन डिसीज़न को मान भी रहा है उसको ये सस्पेंड कर रहे हैं। देखिए हुआ यूँ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था इन अपोजिशन के जो लीडर है, नव अपोजिशन के लीडर को छोड़ने का, ठीक है। तो इवन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी, जिसमें से एक मोहम्मद पूर्व राष्ट्रपति नशीद भी है, मोहम्मद नशीद, उनको भी छोड़ने का आर्डर था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया छोड़ने से, राइट। तो वहाँ पे अब हालात देखिए ठीक नहीं है, और इमरजेंसी तो उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिए, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी तिखी बहस हुई, जस्टिस चंद्रचूड़ और ये जो लॉयर है दवे, दुष्यंत दवे के बीच, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आर्गुमेंट तो ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है कि ये फिश मार्केट है, और इनका आरोप था मिस्टर दवे का कि जो वॉइस ऑफ ट्रूथ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही, राइट। तो बहुत ही हीटेड ये डिबेट हुई वहाँ पे, ये बेसिकली ये जो बहस चल रही थी जस्टिस लोया के केस में चल रही थी। और इसके अलावा कासगंज जो जो क्रैश हुआ था उसमें देखिए एक कुछ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट की टीम ने वहाँ विजिट किया, और 13 लोगों की ये टीम थी, जर्नलिस्ट भी इसमें शामिल थे, ठीक है। तो उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि ये जो वायलेंस था ये एक तरीके से प्री प्लान्ड था, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटेड ये केस था, और इसमें पहले से ये पोलराइज करने की कोशिश थी। आगे बढ़ते हैं, IRLD वर्ड्स SYL कैनाल कम्प्लीटेड सून। SYL कैनाल क्या है? ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल है, राइट। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये है डल लेक की, खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। अगली न्यूज़, हरियाणा गवर्नमेंट में देखिए एक योजना लागू की गई है, गोवर्धन योजना, ठीक है। गोवर्धन योजना ये फार्मर्स के लिए है, और इसमें बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा ऑर्गेनिक मैन्योर एंड काउ यूरिन, ठीक है। तो इसको ये यूज़ करके, मतलब एक तरीके से आप कह लें काउ बेस्ड ये या गाय बेस्ड स्कीम है गोवर्धन योजना, और तो ये कह रहे कि इससे किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट के सॉरी फार्मर्स की इनकम को दूना करना, उसमें भी मदद मिलेगी, राइट। बढ़ते हैं आगे, ये देखिए ओडिशा की न्यूज़ है, यहाँ पे एक रेप केस हुआ था, कुंदुलू रेप सुसाइड केस। तो उसमें NHRC टीम ने कहा है कि प्रोब के लिए वहाँ पहुँची है, राइट। तो हमारे लिए NHRC इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर आज से एक बार देखते हैं। देखिए NHRC एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत ये ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाई गई थी, ठीक है। तो आप ये याद रखें 1993, और ह्यूमन राइट एक्ट याद रखें, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें होती है कि इसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो कंपोजिशन देख लेते हैं, कंपोजिशन में चेयरपर्सन जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और इसके अलावा एक और मेंबर होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, और एक और जो मेंबर होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं। दो मेंबर जो होंगे
वो अपॉइंट किए जाएंगे जिनके पास ह्यूमन डाइट से रिलेटेड नॉलेज होगी, ठीक है, हैविंग नॉलेज ऑफ या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन डाइट से रिलेटेड। इसके अलावा जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन और माइनॉरिटी, ये जो कमीशन है, चार कमीशन, इनके जो मेंबर होते हैं, इनके जो सारे चेयरमैन होते हैं, चार मतलब इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के, शेड्यूल कास्ट कमीशन और एसटी कमीशन, वुमेन कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, इनके जो चेयर पर्सन होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन आप याद रखिएगा। देखिए रसगुल्ले गुल्ले की बहस क्या, इन लोगों के बीच एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि रसगुल्ले के जीआई टैग को लेके उड़ीसा और बंगाल दोनों में ये था कि ये दोनों क्लेम कर रहे हैं, राइट। तो ये कह रहे हैं कि ये बैटल जो है अब ये उड़ीसा हाई कोर्ट पे पहुंच गई है। अब देखना है कि ये डिसाइड होता है कि रसगुल्ला किसको इसका जीआई टैग मिलेगा, राइट। वैसे रसगुल्ला तो बंगाली का ही फेमस है, ठीक है, बंगाली रसगुल्ले, लेकिन उड़ीसा ने भी क्लेम किया था कि ये जो है इस पे हमारा जीआई टैग होना चाहिए, राइट। तो जीआई टैग होता क्या है, देखिए जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैसे कहते हैं इसको, तो ये बेसिकली एक ऐसे साइन यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, और ये डिसाइड करता है स्पेसिफिक की जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन का है, ठीक है। मतलब रसगुल्ला जैसे अगर है, अगर उसको जीआई टैग मिल जाएगा बंगाल का, तो मतलब उससे एक ये होता है कि ये बेसिकली वो बंगाल में ही होता है, तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन या ओरिजिन को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा द यूज़ ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में एक्ट एज ए सर्टिफिकेशन दैट द प्रोडक्ट प्रोसेसेस सर्टेन क्वालिटीज़, ठीक है। तो एक तरीके से क्वालिटीज़ का भी मेंटेन रखती है, और मतलब ये क्वालिटी का भी एक परसेप्शन होता है लोगों में कि अगर रसगुल्ला अगर बंगाल का है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसके अलावा एक रेपुटेशन का भी थोड़ा सा इसमें ख्याल होता है, ठीक है ना। तो रेपुटेशन भी ध्यान में रखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, जैसे बनारसी साड़ी हो गई और अलीगढ़ के ताले हो गए, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आती है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना क्या है मतलब, ये जीआई जो है एक तरीके से ये सर्टिफिकेशन का टैग है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो यहाँ का है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा इसकी रेपो बढ़ जाती है, बस इतना ही है। और उड़ीसा सिक्स स्पेशल बैटल फॉर इस कोस्ट, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हाँ ये देखिए जो INS तरनी था वो अब केप टाउन की तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। और ये फ़िलहाल ये पोर्ट स्टैनले में थे संडे को, और ये अब इनकी जर्नी जो है वो केप टाउन की तरफ बढ़ चुकी है, राइट। तो इनका जो रूट है ये देखिए, ये इनका रूट था, और इसमें ये अब फ़िलहाल ये केप टाउन, देखिए साउथ अफ्रीका के केप टाउन पे ही है, तो अब ये डायरेक्ट यहाँ से निकलते हुए ये गोवा को पहुँच जाएंगे, ठीक है। और पिछली जो न्यूज़ आई थी, देखिए इस रीज़न से जब गुजर रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी ख़तरा होता है, और आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि इस रीज़न का नाम क्या था, ठीक है। ये कोई पैसेज था यहाँ पे, तो इस रीज़न का नाम अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आया था। तो ये देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तरणी के बारे में। इसमें जो जितने भी क्रू मेंबर हैं वो सारे विमेन हैं, और जो नाव ये लोग निकले हुए हैं नाविका सागर परिक्रमा पे, ठीक है। तो इनका प्लान है पूरा सरकम नेविगेशन करने का, पूरी दुनिया का एक बार चक्कर लगाने का, और ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट एशियन वुमेन हो जाएंगी जो ये अटेम्प्ट जिनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। ऑल वुमेन नेवल टीम है ये, और ये शुरू की गई थी गोवा से, ये लोग चले थे सितंबर में, और मार्च में उम्मीद थी कि मार्च 2018 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और अब लग रहा है केप टाउन से ये निकलने के बाद अब गोवा ही पहुंचने वाले हैं, मार्च तक वैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि 5 लेग्स थे, मतलब 5 जगह इनको रुकना था। देखिए इसमें लिखा हुआ पहला था फर्मेंटाइल ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद लिटल्टन न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनले फॉकलैंड, इसके अलावा केप टाउन फाइनल, ठीक है। केप टाउन के बाद अब फिर ये डायरेक्ट गोवा को पहुँच जाएगी। जो क्रू मेम्बर है उनके ये देखिए नाम लिखे हुए हैं, राइट, और INS तरनी से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। 55 फीट की है, एक्वेरिस शिपयार्ड गोवा ने इसको बनाया है, फरवरी में ये इंडक्ट की गई थी नेवी में। इसके अलावा इसमें RO प्लांट भी है जो 3 लीटर 30 लीटर पानी जो है 1 घंटे में प्योरीफाई कर सकती है, ठीक है। इसके इंजन के बारे में भी सारी चीज़ें हैं,
और इसके इसमें देखिए इनमारसैट नेटवर्क सिस्टम भी है, राइट, सुपरविंड जनरेटर है, तो ये सारे चीज़ों से ये लैस ये INS तरनी है। तो INS तरनी बहुत सुर्खियों में रहा है, ये ज़रूर आप याद रखिएगा, नाविका सागर परिक्रमा का ये हिस्सा है और ऑल वुमेन ये सेलबोट थी, ठीक है ना। ये देखिए प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जो भी जजमेंट होगा उसको तेलुगु लैंग्वेज में किया जाएगा, ठीक है, ताकि इससे लिटिगेंट का फ़ायदा हो और वो खुद मतलब समझ सके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये सारा इंग्लिश में होता है और जो लिटिगेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, राइट, ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, एक तरीके से जो होल एफर्ट इज टू मेक जजमेंट इजली अंडरस्टैंडेबल फॉर लिटिगेट पब्लिक, ठीक है, द डाउट इफ इफ व्हाट दे से हैज़ बीन ट्रांसलेटेड करेक्टली इनटू इंग्लिश, राइट। तो एक अच्छी शुरुआत की इन्होंने, मतलब उनकी लैंग्वेज में ही, ताकि उनको पूरी तरीके से पता लग सके कि आखिर इस केस में हो क्या रहा है, डिसीजन क्या आया है, जजमेंट क्या आया है और आर्गूमेंट क्या हो रहे हैं, राइट। इसके अलावा ये देखिए गुड समरिटेंस एक लॉ इन्होंने शुरू किया है केरला ने, इसमें देखिए जो पीपल होते हैं जो एक्सीडेंट वगैरह के बाद लोगों की हेल्प करते हैं उनको एक तरीके से एनकरेज करने के लिए, राइट। तो ये गवर्नमेंट जो है केरला गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक लेजिस्लेशन डालने का, ताकि जो गुड समरिटन्स होते हैं तो उनको क्या किया जा सके, लीगल जो है प्रोटेक्शन दी जा सके, राइट। तो इससे थोड़ा सा लोगों को एनकरेज भी लगा, क्योंकि अक्सर होता है कि लीगल बेस के चक्कर में लोग जो विक्टिम होते हैं उसकी हेल्प नहीं कर पाते एक्सीडेंट वगैरह की, और इवन उसको अवॉइड कर जाते हैं या उनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते, राइट। तो एक अच्छा स्टेप है ये भी ह्यूमैनिटी के लिए। अगली न्यूज़ देखिए, ये सादी आरवर शेख, इनको सुसाइड बम्बर कहा गया था, और ये देखिए ये बेसिकली कह रही है कि मुझे IPS बनना है और मैं तैयारी कर रही हूँ, और इन्होंने इनको कश्मीर में ही एडमिशन लिया है, राइट। तो ये मतलब इस केस में ये है कि एक तरीके से इरिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म देखने को मिला, कि इन पे कह रहे कि मुझे लेबल किया गया सुसाइड बम्बर के तौर पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बाद में पुलिस ने भी, DGP ने वहाँ पे, कश्मीर के DGP ने भी ये सारी बातें कही थी। और व्हीकल पोल्यूशन से रिलेटेड देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पोल्यूशन है ये सिर्फ आज की जनरेशन नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इशू अ व्हीकल पोल्यूशन एज अ वेरी सीरियस एंड ए क्रिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि जल्दी से जल्दी आप जो BS6 है उसको लागू कीजिए, और उसके कंप्लायंट जो फ्यूल है BS6 कंप्लायंट फ्यूल है उनकी अवेलेबिलिटी के लिए कोशिश कीजिए, राइट। और ये एडिटोरियल, ये देखिए कल 4 हमारे जवान शहीद हो गए और इंडिया ने भी रिटेलिएशन में काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनकी कई चौकियों को तबाह कर दिया, राइट। जम्मू कश्मीर आस्क सेंटर टू अडॉप्ट अटल डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ने डिमांड की है कि जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिसी थी कश्मीर के लिए उसको लागू करने की ज़रूरत है, राइट। और देखिए अमित शाह ने कल कहा है कि इनको जब काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो पकौड़ा वाला जो बयान दिया था प्रधानमंत्री ने, तो उस पर इन्होंने फिर सफाई दी, उन्होंने कहा है कि पकौड़ा बेचना जॉबलेस रहने से बेहतर है। इसके अलावा कांग्रेस ने कल आरोप लगाया है कि जो UPA गवर्नमेंट की जो स्कीमें थी उसी को रिपैकेजिंग करके सेंटर जो है वो पेश कर रही है, और ये गवर्नमेंट जो है वो गेम चेंजर नहीं बल्कि नेम चेंजर है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे एक बार पढ़ दी। और PM टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ टेम्पल इन UAE, ठीक है ना। तो ओमान में देखिए ओमान और पैलेस्टीन के दौरे पर जाने वाले PM, तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मंदिर का फाउंडेशन ले करेंगे, राइट। तो अभी शायद 9 से 12 तक इनकी ये जर्नी है, 3 नेशन जर्नी, राइट। ये देखिए प्रधानमंत्री जहाँ का बर्थ प्लेस है उसको कह रहे हैं कि मेजर टूरिस्ट हब के तौर पे इसको तैयार किया जा रहा है। और US एनर्जी सेक्रेटरी टू विजिट इंडिया, ठीक। तो US एनर्जी सेक्रेटरी जो है रिक पैरी वो इंडिया को इस महीने विजिट करने वाले हैं, राइट। तो इसमें जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कर्व करने की कोशिश की जाएगी इसमें। इसके अलावा अगली दिन देखिए मालदीव की से रिलेटेड है, ये हमने देखा था ऊपर, और
यहाँ पे वैसे देखिए, चाइना ने चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है, तो उसमें चाइना हैज़ लॉन्च एन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू द सरगम इम्पोर्ट फ्रॉम द यूएस। ठीक है, तो एंटी डंपिंग जो है इन्वेस्टिगेशन चाइना ने शुरू कर दी है यूएस यूएस के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से टिट फॉर टैट ये कह रहे हैं कि वार है, क्योंकि यूएस भी कहता है कि हमारे वहाँ डंपिंग की जाती है, ठीक है, सस्ते सामान हमारे वहाँ भेजे जाते हैं। तो उसी बेसिस पे चाइना ने भी शुरुआत की है इन्वेस्टिगेशन की, इम्पोर्ट जो भी इम्पोर्ट्स होते हैं, जो भी उनके इम्पोर्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड, राइट। और ये देखिए देखिए लिख रहे हैं कि फॉलोइंग रशिया, यूएस इज़ मूविंग टू फोर्टिफाई इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, राइट। तो रशिया की तरीके से यूएस भी जो है अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनको अब फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। द न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू रिलीज लास्ट वीक एक्यूज मॉस्को ऑफ फोर्सिंग वाशिंगटन टू रिबिल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज, राइट। तो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से रशिया वही फोर्स कर रहा है यूएस को ये करने के लिए। एक्विटी इंडिसेस लास्ट ग्राउंड फॉर फिफ्थ स्ट्रेट सेशन। तो आप स्टॉक मार्केट जो है 2 दिनों से बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रही है, राइट। और ये कह रहे हैं कि इसकी वजह जो है डोमेस्टिक कंसर्न और फिस्कल डेफिसिट, ये बता रहे हैं डोमेस्टिक कंसर्न अराउंड इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट। और सर्विस ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी रही जनवरी में, फास्टेस्ट इन 3 मंथ रही। प्रोसीजरल फेयरनेस मस्ट बी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हमें करप्शन को ख़त्म करना है तो प्रोसीजरल फेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा रिस्क टिल्टेड टुवर्ड्स हायर, हाँ देखिए बिटकॉइन जो बेकर्स हैं कह रहे हैं कि उनकी नज़र अब इंडिया पे बनी हुई है, और इंडिया कह रहे हैं कि 10% जो बिटकॉइन का ट्रेड वॉल्यूम है वो अकाउंट करता है, राइट। हालांकि इंडिया में बिटकॉइन अभी लीगल नहीं है, ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लोग कुछ लोग यूज़ करते हैं, राइट। और ये स्पोर्ट्स, तो लास्ट पेज देख लेते हैं। हाँ, असम जूस ओल्डेस्ट राइडो इज डेड, देखिए विष्णु नाम था इसका और इसने 34 ईयर का, 34 साल का ये था, ठीक है, तो इसकी डेथ हो गई है। और ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, नाम पूछा जा सकता है, विष्णु राइडो 34 साल। और इसके अलावा आइस इंस्ट्रूमेंट देखिए ये बनाया गया है, कूलेस्ट म्यूजिक इन नॉर्वे, राइट। ये देखिए ये है इंसर्जेंट्स टेस्ट, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ आइस एंड बिलो द आइस स्ट्रक्चर इन साइड वेन द कंसर्ट वाज हेल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।